अस्सलाम वालेकुम एडवांस क्लास, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर फाइन। एडवांस क्लास, आज साइंस का लेक्चर नंबर 2424 में हम टेस्ट की प्रिपरेशन करेंगे। यूनिट वन का क्वेश्चन वन, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग हमारा यूनिट वन है। इसका क्वेश्चन नंबर वन की हम आज प्रिपरेशन करेंगे टेस्ट की, ठीक है? लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा डब्ल्यू आर आई टी ई राइट, टी एच ई द एन ए एम ई नेम, ओ एफ ऑफ एल आई वी आई एन जी लिविंग, टी एच आई एन जी एस थिंग्स, राइट द नेम ऑफ लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स क्या होते हैं? सबसे पहले आप लोग मुझे ये बताएं, लिविंग थिंग्स किन चीज़ों को कहते हैं, किसको कहते हैं लिविंग थिंग्स? आप लोगों को मैंने लेक्चर में जब हमने इसका लेक्चर का रीडिंग की थी, तब मैंने आपको बताया था कि लिविंग थिंग क्या होते हैं। वो लिविंग थिंग जानदार को कहते हैं जो खाते पीते हैं, बढ़ते हैं, सांस लेते हैं और एक अपनी एक जगह से खुद हरकत करते हैं, वो लिविंग थिंग में शुमार होते हैं, ठीक है? वो तमाम चीज़ें लिविंग्स हैं, लिविंग थिंग्स में शुमार होती हैं। अब लिविंग थिंग में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं? सबसे पहले इंसान या हम खुद, यानी हम खुद क्या हैं, लिविंग थिंग हैं। देखिए, हम लोग छोटे से होते हैं, बेबीज़ होते हैं, फिर खाते पीते हैं, हम लोग बड़े होते रहते हैं, बड़े होते होते इसी तरह हम लोग। अब पौधों को देख लें, प्लांट्स जो हैं वो भी लिविंग थिंग में शामिल हैं। प्लांट्स, आप छोटा सा पहले बीज लगाते हैं ज़मीन में, मिट्टी में, उसमें पानी डालते हैं, खाद डालते हैं, तो वो फिर पौधा आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता है, उसमें फूल और फल लगते हैं, वो दरख्त बन जाता है, इसीलिए वो भी लिविंग थिंग है। इसी तरह जानवर यानी एनिमल्स, वो भी लिविंग थिंग हैं, क्योंकि वो भी छोटे से पहले बेबीज़ होते हैं, फिर वो भी खाते पीते हैं और बड़े होते हैं, वो भी सांस लेते हैं, ठीक है, और अपने एक जगह से दूसरी जगह खुद चल के चले जाते हैं, तो ये भी लिविंग थिंग में शामिल हैं। तो इसी तरह हमारा भी क्वेश्चन था, राइट द नेम ऑफ लिविंग थिंग्स, हमने नाम लिखने थे लिविंग थिंग्स के, ठीक है? तो लिविंग थिंग में एनिमल्स में हमने नाम लिखा था सी ए टी कैट, यहाँ पे आप डॉग भी लिख सकते हैं, कोई भी एनिमल का नेम यहाँ पे आप राइट कर सकते हैं, ठीक है, सी ए टी कैट। और ह्यूमन बीइंग्स, जो इंसान हैं, उसमें हमने यहाँ पे लिखा था बॉय, यानी लड़का। आप जी आई आर एल गर्ल भी लिख सकते हैं, एम ए एन मैन भी लिख सकते हैं, डब्ल्यू ओ एम ए एन वोमेन भी लिख सकते हैं, ठीक है? ये तमाम जो हैं वो लिविंग थिंग्स में ही शामिल हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं ना। इसी तरह प्लांट हमने लिख दिया था पी एल ए एन टी, प्लांट यानी पौधा, ठीक है? राइट द नेम ऑफ लिविंग थिंग्स, कैट, बॉय, प्लांट। राइट द नेम ऑफ लिविंग थिंग्स, सी ए टी कैट, बी ओ वाई बॉय, पी एल ए एन टी प्लांट। ये क्वेश्चन आप लोगों ने अच्छे तरीके से स्पेलिंग के साथ याद करना है और अपनी मम्मा या टीचर के पास, जिसके पास आप लोग पढ़ते हैं, उनको इसका टेस्ट देना है, ठीक है? स्पेलिंग के साथ याद कीजिएगा, सी ए टी कैट, बी ओ वाई बॉय, पी एल ए एन टी प्लांट, और ये सब क्या हैं, ये लिविंग थिंग्स शामिल हैं, ठीक है? ठीक है एडवांस क्लास, आज का आपका लेक्चर कंप्लीट हुआ। इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से याद कीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।